स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम अंतर श्री कृष्ण भावना भवन संस्थान के हर्ष प्रस्ताव पे यह श्रीमद् भागवत गीता 18 अध्याय के 18 दिन के लिए 8वें अध्याय 8वें दिन के 8वें सत्र में आए हम सब बंधुओं का, धर्म प्रेमियों का, कदम प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, जीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहरे से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा माधव जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे, इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। श्रीमद् भगवद गीता, यह श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी है। श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। यह श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि यह भगवद गीता भगवान के हृदय से आने वाला उनका करुणा है, प्यार है, दया है, कृपा है जीव के प्रति। मैं तो कहता हूँ ये भगवद गीता जो है भगवद गीता नहीं, वास्तव में एक प्रेम का एक पत्र है। भगवान के हृदय से जीव के प्रति जो संदेश है, आदेश है, उपदेश है, उसका एक पत्र है ये भगवद गीता। एक लव लेटर है, एक प्रेम पत्र है। वास्तव में जीव जगत के हित के लिए भगवान ये उपदेश, संदेश, आदेश अर्जुन के माध्यम से हमें कर रहे हैं। ये भगवद गीता का यह 8वां अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है। भगवद गीता के 8वें अध्याय को हम कहते हैं द आर्ट ऑफ डाइंग। हम सब सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला, पर मरने की कला भी भगवान सिखाते हैं। इस संसार में कहते हैं कि हर कोई जो है रोते हुए आता है, कहते हैं कि हर कोई संसार में रोते हुए आते हैं, पर कहने वाले बड़े खूब कहे हैं रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाए, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाए, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा भक्त हो। तो रोते हुए आते हैं सब, इसी बात को हम मंगलाचरण में कहते हैं, ओम अज्ञानमूर्तिमिरामानन्दस्य। सब अज्ञान के अंधकार में आते हैं और रोते हुए आते हैं। कबीर जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि कबीरा कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हसे हम रोए, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हसे हम रोए। बच्चे आते हैं तो रोते बिलते, कबीरा जब पैदा जब हम रोए, ऐसे करनी कर चलो, ऐसे करनी कर चलो से जग रोए। यानी कि अपने जीवन को जो है ऐसा जीवन जिए कि मृत्यु जब आए, मृत्यु जब आए तो हम जो है देखेंगे, मृत्यु जब आए तो हम देखेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से हम जो है जीवन को सफल करके, मृत्यु को सफल करके, हाँ मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। इंटरनेट इज गेटिंग वीक यू नो। तो इस प्रकार से जो है ये जो 8वें अध्याय भगवान जो है इसे उस पर तरीके से बताते हैं कि किस प्रकार से जीवन एक तैयारी है और मृत्यु क्या है, एक परीक्षा है। देखते हैं संसार में मृत्यु को आता है, ऐसा कोई है जो मृत्यु से बच सकता है? नहीं, हर किसी को मृत्यु आता है। जो भक्त है वो भी मृत्यु को प्राप्त करते हैं और जो अभक्त हैं उनको भी मृत्यु आता है। तो मृत्यु मृत्यु में अंतर है। जैसे बिल्ली जो है चूहे को पकड़ता है तो चूहा चीखता है, चिल्लाता है, और
और वही गिल्ली के दांतों के बीच में गिल्ली का बच्चा आता है, वो तो बहुत मस्त रहता है। इसी प्रकार से जब जब पुलिस का गाड़ी आता है किसी अफसर को लेकर, तो उस बड़े ठाट के साथ उसे लेकर आता है, पर वही पुलिस का गाड़ी आता है किसी को पकड़ने के लिए तो उसे पीट कर लेकर जाता है। गाड़ी है वही है पर बात अलग ही। इसी प्रकार से मृत्यु मृत्यु में अंतर है। यहाँ पर भगवान जो है हमें सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से मृत्यु के ऊपर हम जय प्राप्त करें। ये आठवां अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षणमय है, अलौकिक है। ये मृत्यु के ऊपर जय कैसे प्राप्त करना है, प्रभुपाद जी हमें अपने आचरण से, चरित्र से, लीला से दिखाए। नवंबर 14 तारीख 1977, प्रभुपाद जी पूरे जीवन जो है बचपन से लेके जवानी, जवानी से लेके एक तैयारी है कृष्ण भक्ति का, और अंत समय में कृष्ण का स्मरण करते करते वृंदावन में वे जो है लगभग लगभग 80 से भी ज्यादा वर्ष की तैयारी। और मृत्यु जब आए, कीर्तन चल रहा था भागवतम का, जो दसम स्कंद के ब्रह्म विमोहन लीला का तात्पर्य देते देते प्रभुपाद जी लगभग इसी समय पर वे जो है भगवत धाम को प्राप्त किए। अंत काली चा माम एवं स्मरण मुक्ता, अपने मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करके हैं सबको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जीवन की तैयारी करें ताकि मृत्यु नाम का जो परीक्षा है उसके पर हम जय प्राप्त करें। हम सबको जो है ये सच बात है, हम अज्ञान में आए पर मैं अज्ञान में रहना नहीं है। अज्ञान में लोग जन्म लेते हैं और अज्ञान में जीते हैं और अज्ञान में मरते हैं, पर हमें प्रभुपाद जी के आश्रय मिला है। हम जो है अज्ञान में आए हैं पर अज्ञान में नहीं रहेंगे और अज्ञान में शरीर नहीं छोड़ेंगे। ये जो है तैयारी करना है इस प्रकार से। तो ये आठवें अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को हम 6 भाग में विभाजित करते हैं। भाग एक में अर्जुन का 8 प्रश्न है, ये अध्याय 8वां है और प्रश्न 8 है। 8 प्रश्न का उत्तर भगवान जो है एक श्लोक में करेंगे और 7 प्रश्न का उत्तर जो है एक दो श्लोक में करेंगे, और एक प्रश्न के ऊपर पूरा जोर देंगे, वो है अंत काल में मृत्यु जब आए तो जीवन को कैसे सफल करें। अध्याय नंबर क्या है और प्रश्न कितने हैं और कितने उत्तर देंगे? 7 प्रश्न का उत्तर एक या दो श्लोक में और एक प्रश्न के ऊपर पूरा जोर देंगे। भक्त किस प्रकार से शरीर छोड़ेगा और अभक्त है यानी कि अभक्त में कर्मी, ज्ञानी और त्यागी, वो शरीर जो छोड़ेंगे उनको कैसे छोड़ना होगा, किसका मृत्यु सफल है किसका मृत्यु असफल है, इसका सुंदर वर्णन इस अध्याय में करेंगे। श्लोक भाग 2 में हम देखेंगे 5 से लेके 8 किस प्रकार से भक्त जो है भगवान का स्मरण करके अपने जीवन को सफल करते हैं। 9 से 13 में भाग 3 में जो लोग ध्यान मिश्र भक्ति कर रहे हैं उनके बारे में वर्णन आता है। शुद्ध भक्ति करके 14, 15 और 16 नंबर श्लोक में कृष्ण का स्मरण करके अपने जीवन को सफल। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में अंतर क्या है, वो 17 से लेके 22 नंबर श्लोक में वर्णन आता है। और 6वें नंबर भाग में 23 से 28 में हम देखेंगे। इस प्रकार से बड़ा अलौकिक है, अद्भुत है, विलक्षण में 8वां अध्याय। और विलंब न करते हुए इस अध्याय के भाग नंबर 1 के ऊपर हम गोता लगाते हैं और इसका रस आस्वादन करते हैं और इसका रसपान करने का प्रयास करते हैं। अर्जुन वाच कीर्तन ब्रह्मा की आद्यात्मा की करवा पुरुषोत्तमा आदिभूतम चकि आदिदेवं किंवच आदियज्ञगतं देहस्मिन्मदना प्रायाण काले चरगतं ज्ञेयोऽस्मि नियतात्मभिः। कितने प्रश्न हैं अध्याय में, का नंबर क्या है, तो क्या क्या ये प्रश्न है वो इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से अर्जुन पूछ रहे हैं कि तद ब्रह्म, जहां पे किम आ गया एक प्रश्न है यानी कि ब्रह्म क्या है यानी कि आत्मा क्या है, या आध्यात्म किम आध्यात्मा, आध्यात्मा यानी कि जो जिसे हम स्पिरिचुअल कहते हैं वो क्या है, किम कर्म यहाँ वहां हम कार्य कर रहे हैं ये क्या है पुरुषोत्तमा। और ये 3 प्रश्न हो गया, आदिभूतम क्या है, आदिभूत क्या है, आदिभूत यानी कि जितने सारे जीव हैं उसमें आदि कौन है, और
आदि दैवम, देवताओं में आदि देव कौन है? कितने प्रश्न हुए? पांच हुए, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। आदि यज्ञ कथम को अत्र, ये आदि यज्ञ क्या है? यज्ञ के आदि कौन है? ये छठा हो गया। देह आस्मिन् मधुसूदना को अत्र, वो शरीर में कहाँ रहता है? ये छठा प्रश्न है। ये सातवां प्रश्न है, प्रयाण काले चा गतम, प्राण समय छूट, प्राण जब छूटने का सब समय आता है, तो ये यो असी नियत आत्म भी किस प्रकार से वो अपने जीवन को सफल करता है? कितने प्रश्न हुए? आठ प्रश्न हुए। और आठ प्रश्न में जो है इस प्रकार से, इस प्रश्न को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। अर्जुन पूछते हैं, किम ब्रह्म, किम ब्रह्म एक अर्थ होता है आत्मा, क्या है हम, यानी कि ब्रह्म, ब्रह्म यानी कि किम ब्रह्म, बृहत से आता है, बृहत का अर्थ होता है बड़ा, यानी कि भगवान कौन है या बृहत। किम आध्यात्म, आध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा। कर्म, हम जो भी कार्य करते हैं वो कर्म। कितने प्रश्न हुए? तीन। और आप लोग ज्यादा टेंशन मत आइए, ये इसमें से सात प्रश्न को भगवान एक ही में खत्म कर देंगे, इसलिए ज्यादा भयभीत मत हो जाइए। तो इतने इतने टेक्निकल वर्ड्स पूछ रहे हैं, अब क्या होगा? तो ये वास्तव में भगवान भगवद गीता के छठे अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आप योगी बनो। क्या बनो? तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान कहते हैं कि योगी जो है ज्ञानी से श्रेष्ठ है, भगवान कहते हैं योगी जो है त्यागी से श्रेष्ठ है, भगवान कहते हैं योगी जो है कर्मी से श्रेष्ठ है, पापी से तो श्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान कहते हैं तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान ये नहीं कहते कि तस्मात् योगी भव अर्जुन, भगवान ये नहीं कहते कि तस्मात् त्यागी भव अर्जुन, भगवान ये नहीं कहते कि तस्मात् ज्ञानी भव अर्जुन, भगवान कहते हैं तस्मात् योगी भव अर्जुन। सेकंड लास्ट श्लोक छठे अध्याय का, भगवान कहते हैं तस्मात् योगी भव अर्जुन। और योगी बनो तो योगी उसमें भी और बेस्ट बनो, कि नाम मदगर्भ। तो इस प्रकार से आप श्रेष्ठ योगी बनो, पर श्रेष्ठ योगी कैसे बनेंगे? तो आर्ट ऑफ लिविंग, सेवन चैप्टर आर्ट ऑफ लिविंग है, आप श्रवण करो, श्रीमान श्रवण करो, भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान के बारे में श्रवण करो, ये आर्ट ऑफ लिविंग। आप भगवान के बारे में श्रवण करोगे, भगवान के प्रति बढ़ेगा, मैं आसक्त, हम आसक्त हो जाएंगे, राधा रानी जैसे आसक्त हो जाएंगे। दैट्स आर्ट ऑफ लिविंग। और आर्ट ऑफ डाइंग इसमें बता रहे, योगी को कैसे शरीर जोड़ना है। तो आदि यज्ञ कतम को, यज्ञ होता है तो आदि यज्ञ कौन है जिसका हमें प्रसन्न करना है, और वो आदि यज्ञ भगवान कहाँ पे रहते हैं? शरीर के अंदर। और किस प्रकार से योगी जो है शरीर त्यागते हैं? तो ये आठ प्रश्न है, और इस आठ प्रश्न का उत्तर जो है भगवान तुरंत देते हैं। जो आपका प्रश्न आठ है तो उत्तर भी आठ होगा। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच यानी कि श्री यानी कि सुंदर, भगवान यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, श्री भगवान वाच यानी कि कह रहे हैं, सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति हमें कुछ कह रहा है, अर्थात हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, अर्थात हमें इधर उधर के बातें त्याग करके, इधर उधर के विचारों को त्याग करके, इधर उधर के क्रियाओं को त्याग करके, चित्त को एक तक करके, कमर को कस करके, एक एक शब्द नहीं एक एक अक्षर को पकड़ना चाहिए, इनमें से एक शब्द जो है हमारा जो है चेतना को अधम से अधम तक लेके जाएगा, हमें भौतिक से आध्यात्मिक जगत लेकर जाएगा। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव आध्यात्म उच्चते भुक्त भाव उद्भवकार विसर्ग कर्म संहिता। ये शरीर में रहने वाला आत्मा है उसे ब्रह्म कहते हैं, और आत्मा का जो भाव है इसे अध्यात्म कहते हैं, और आत्मा शरीर के अंदर कोई भी कार्य करता है उसको कर्म कहते हैं। और इस प्रकार से तीन प्रश्न का उत्तर देते हुए आगे भगवान बढ़ते हैं और कहते हैं, आदिभूतम का सार भाव पुरुष चादि दैवतम आदि यज्ञ एवत्र देहे देहावृतम। भगवान कह रहे हैं कि ये जो आदिभूत है, ये जो शरीर है,
ये शरीर जो है, ये प्रकृति है ये, और इस शरीर के अंदर आने वाला जो ये जो पूरे जगत जो है भगवान का एक शरीर है, और जितने भी देवी देवता भगवान के शरीर में रहते हैं, इसलिए ये जो पूरा जगत जो है एक दृष्टि से भगवान का शरीर है, और वो भगवान आदि देव है। और यज्ञ का स्वामी कौन है? तो भगवान कहते हैं मैं हूं यज्ञ का स्वामी, और मैं कहाँ रहता हूँ? सबके हृदय में रहता हूँ। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, और ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, मैं हृदय के स्थान में रहता हूँ। तो ये 7 प्रश्न का उत्तर एक ही साथ फटाफट फटाफट भगवान कहते हैं। भगवान जो है कह रहे हैं कि ठीक है, जो भी है तुम भौतिक जगत में आए तो आए, हर काम की बात, भौतिक जगत से बाहर कैसे जाने, स्कूल के अंदर आए तो आए पर स्कूल से बाहर निकलना है, हॉस्पिटल के अंदर आए तो आए हॉस्पिटल से बाहर निकलना है, जेल के अंदर आए तो आए, सफलता तब होगा जेल से बाहर आ गया। पर इसीलिए इन बातों पे जोर नहीं दिया। एक व्यक्ति जो है पानी के अंदर गिर गया, नौके से पानी के अंदर गिर गया, सब लोग बुला रहे हैं तो वो जल्दी आओ बाहर आओ बाहर आओ, तो वो मूर्ख व्यक्ति कह रहा है कि मैं जो है बाहर तब निकलूंगा, तब पकड़ूंगा जब मुझे बताएगा कि मैं कैसे गिरा, किसने मुझे गिराया। अरे मूर्ख व्यक्ति, पहले अपने आप को बचाओ। तो हम फंसे तो फंसे, ये तो अच्छी तरह से फंसे, पर भगवान अभी बता रहे हैं फंसे तो फंसे पर स्कूल में आए हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में 1 साल, सेकंड स्टैंडर्ड में 2 साल, थर्ड स्टैंडर्ड में 3 साल, अरे बाहर निकलो आप प्रमोशन लेकर, ना कि फंसे रहो हॉस्पिटल में। हम पेशेंट बन के आए, हाँ ऑपरेशन सक्सेसफुल तो हमें हॉस्पिटल से बाहर निकलना है, हमें क्या है जेल में आए तो जेल के बाहर निकलना है, ना कि जेल के अंदर ने सड़ना है। तो भगवान जो है जोर दे रहे हैं कैसे बाहर आना है। तो अर्जुन का प्रश्न है, भगवान आप कहते योगी बनो योगी बनो योगी बनो, जो योगी है भगवान आपका सेवा कर रहे हैं, मृत्यु के समय पे प्राण जब छूटता है तो वो कैसे प्राण को त्यागते हैं? बड़ा सुंदर और सटीक प्रश्न पूछते हैं, काम की बात अभी चालू होता है। भगवान कहते हैं मेरे भक्त जब शरीर छोड़ते हैं, वो कोई भी स्थान हो, कोई भी समय हो, कोई भी परिस्थिति हो, वो जो है मेरा स्मरण करते करते मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। अंतकाले च मामेवं स्मरन् भक्ति यत्रयति स मद्भावा याति नास्ति अत्र संशया। अंतकाले च मामेवं, अंत समय सबका आता है ना, फाइनल एग्जाम सबको देना होता है। स्मरण उक्त्वा कलेवरम, उस समय पर वो भगवान का स्मरण करता रहता है, भगवान का स्मरण करता रहता है, ऐसा तैयारी उनका रहता है। यह प्रयाति सा मद्भावम, इस प्रकार से जो है मेरा स्मरण करते करते वो जो है प्रयाति, याति नहीं, याति मतलब जाता है, प्रयाति यानी कि अच्छी तरह से जाता है, कहाँ पे जाता है, मेरे धाम को जाता है। नास्ति याति नास्ति अत्र संशया, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो भक्त जो है पूरा तैयारी करता है। मुझे याद है हम लोग स्कूल में जब थे या कॉलेज में जब थे, तो हम लोग, मेरे सामने एक ऐसा एक विद्यार्थी था कि वो इतना तैयारी करता था, इतना तैयारी करता था, हमारे नेबरहुड में वो सब साइंटिस्ट के बच्चे लोग थे, BARC यानी कि बार, यानी कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, वो लोग इतना तैयारी करते थे, अरे शाम को भी खेलते थे। मैं एग्जाम के समय पे टेंशन में आ जाता था, लास्ट मिनट रिवीजन अलार्म करता था, पर वो तो खेलते रहते थे। पर उनका तैयारी ऐसा था कि लास्ट डे इसका ज्योग्राफी का या सिविक्स का हिस्ट्री का पेपर है, वो मस्त में जा रहा है और टोटल 100% मार्क लेकर आते हैं, और कभी कभी बोलते अरे 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 मेरा 100 में से 99.9 मिला, 1 मार्क कहाँ से गया? अरे हम बोलते हैं 35 में हम तो इस प्रकार का तैयारी है कि वो लास्ट मिनट में मजे में जो है पेपर लिखने जाते हैं और पेपर पास करके अव्वल नंबर में आ जाते हैं, ये है तैयारी। और इसी प्रकार से जब मैं कॉलेज में आया तो मेरे, हम तो कॉलेज का तैयारी करके पास होने के लिए 70% के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, पर हमारे सामने एक बड़े घर के जो है बिगड़ा हुआ लड़का था, और पेपर क्या आया, पेपर आया तो मैं देखा वो पेपर में क्या, पेपर में पिक्चर का गाना लिख रहा था, क्योंकि वो पूरा जी सेमेस्टर जो पिक्चर पे पिक्चर देख रहा था, और पेपर जब आया। इसी प्रकार से एग्जाम जो है आता है तो जो तैयारी करता है उनके लिए
बहुत आसान पड़ जाते हैं। इस प्रकार से मृत्यु जो है एक तैयारी है। जीवन भर अगर हम भगवान का भजन करेंगे, 16 माला जप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, वैष्णव अपराध से बचते रहेंगे, वैष्णव निंदा से बचते रहेंगे, प्रेम से सेवा करते रहेंगे, तो सुनिश्चित रूप में अंत समय में भक्त लोग जो है हमारे इर्द गिर्द कीर्तन करते रहेंगे। और तुलसी कंठी माला, राधा कुंड का जल, श्याम कुंड का जल, यमुना गंगा का जल होगा, भगवत गीता भागवत होगा, चैतन्य चैतन्य अंत समय आएगा, हम जो है वैकुंठ से विमान आएगा और हम भगवत धाम जाएंगे। ये गारंटेड है। इसको हमने प्रभुपाद जी इतना सुविधा दिया है। शर्त यह है कि हम 16 माला जप, 4 नियम पालन और इस्कॉन को छोड़े नहीं, विनम्र से भाव से रहें और वैष्णव अपराध से बचे, गारंटेड जाएंगे अंत काले चमा। इस्कॉन में रहना एक बहुत बड़ा परीक्षा है, पर इस परीक्षा में पास होना भी आसान है। केवल वैष्णव अपराध से बचना है, सेवा के भाव से रहिए, वैष्णव का निंदा मत कीजिए, अपने आप जो है हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये जो है इतना मुश्किल नहीं है, पर हम जो है इट्स सिंपल फॉर सिंपल, सिंपल रहिए, वैष्णव अपराध से बचते रहिए और सबको आदत देते रहिए, बस यस यस यस, और आगे निकलते जाइए, आगे बढ़ते जाएंगे अंत काले च मामेवं स्मरन् मुक्तावली। ये जो है तैयारी है, ये जो है तैयारी है, ये जीवन क्या है, तैयारी है सबके लिए, छोटे बच्चे बड़े सबके लिए। अंत समय कब आएगा किसी को पता नहीं है, इसलिए तैयारी ऐसे करना चाहिए, एग्जाम जो है जब भी आए तब जो है तैयार हो जाए, एग्जाम कभी भी आ सकता है। अब भौतिक जगत का एग्जाम कैसे होता है, भौतिक जगत का एग्जाम होता है कि एग्जाम का डेट दिया जाता है, सिलेबस दिया जाता है, आप तैयारी करते हो, एग्जाम का टाइम आता है और एग्जाम देते हो। पर हमारे आध्यात्मिक, हमारे जीवन का परीक्षा में क्या होता है, एग्जाम का सिलेबस दिया जाता है, आंसर भी दिया जाता है। सिलेबस क्या है, आप भक्ति करो, और आंसर क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। एग्जाम का टाइम किसी को पता नहीं है, एक ही व्यक्ति है पूरे इतिहास में जिसको एग्जाम का टाइम पता था, और वो है परीक्षित महाराज। उनको पता था कि 7 दिन के बाद उनका हरि बोल होने वाला, और उसका भी उन्होंने अच्छा तैयारी किया था। अरे वाह, क्या तैयारी किया था, 7 दिन 7 रात तक भागवत का तैयारी किया था, इतना सुंदर। पर बाकी सबके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं परीक्षित महाराज जी को कम से कम पता था उसका एग्जाम का डेट टाइम क्या है, हमको डेट टाइम नहीं पता, तो हम परीक्षित महाराज जी से भी ज्यादा हमको तैयारी करना पड़ेगा, तो परीक्षित महाराज जी से भी ज्यादा तैयारी करना। अंत काले च मामेवं, सिद्धांत यह है, भगवान कह रहे हैं यम वापी स्मरण भावं तजयन्ते कलेवरं तां त्वमिमन्ति कौन्तया सदा तद्भावभावेता। यम वापी स्मरण भावं, जब 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 मृत्यु आता है, जिसको जो जो हम स्मरण करेंगे वैसे वैसे जो है हम जो है शरीर प्राप्त करेंगे। यम यम वापी स्मरण रामम तम तम, यम यम तम तम, तो जैसे जैसे हम विचार करेंगे वैसे वैसे परिणाम निकलेगा। तजे अंति कलेवरम, शरीर को छोड़ते वक्त जो स्मरण करेंगे। एक बार एक बहुत ही चालाक सेठ था, उस चालाक सेठ क्या था, वो भागवत कथा में आ गया, भागवत कथा में वो कथाकार अजामिल कथा बता रहा था, चरण क्या नारायण उनका पुत्र का नाम था, अपने बेटे से आसक्त नारायण नाम लिया, तो 3 विष्णु जो है यमदूत आए, 4 विष्णुदूत आए, उनको बचाया, वो भगवत धाम चला गया। वो तो खुश हो गया, अरे वाह, अजामिल तो मेरा सुपर हीरो है, मेरा आइडल है। वो तो क्या पूरा जीवन मजाक किया और अंत समय में एग्जाम पास भी किया है, यानी कि दोनों हाथ में जीवन का मजा भगवत धाम भी। तो उन्होंने तुरंत अपने 4 बेटे को बोला, उन 4 बेटे का नाम था चिंटू मिंटू पिंटू और जिंटू, बोला सर आपका ये नाम नहीं होगा, अनिरुद्ध प्रद्युम्न शंकरषण वसुदेव, अनिरुद्ध प्रद्युम्न शंकरषण वसुदेव, ऐसे बोलते 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 गया। अब वो सेठ था, दुकान था उसका, अंत समय उसका आ गया, अभी वो चिल्लाने लगा प्रद्युम्न शंकरषण वासुदेवा, तो चारों के चार आ गए, और उतने में एक गधा जो है उनके दुकान में आके चावल और गेहूं को खा रहा था। तो देखो दुकान में क्या है, गधा आके खा रहा है, गधा गधा जिसे बोला
देखिए भगवान के साथ चीटिंग नहीं कर सकते पूरा जीवन, अगर वो पैसा 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 करता, इधर उधर के बातें करते, गधा को भगाओ गधा को, तो अंत समय में गधा स्मरण आया और वो चला गया। इसी प्रकार से एक सेठ जी था, बच्चों का पूरा देखभाल किया, तो बच्चों ने सोचा पिताजी अब शरीर छोड़ रहा है, तो वो लोग चिल्लाने लगे बाबा बोला। कि वो शिवरात्रि के आजू बाजू में समय था, बोला बोला बम बम बोला क्या नाम लो बाबा बोला, तो बोला क्या बोला, तो बाबा जो पूरा जीवन जो है वो पेप्सी कोला कोको कोला पी रहा था, तो बाबा बोला उसको प्यास लगा, बाबा मुंह खोल के बोला बाबा बोला अभी मुंह खोल रहा है बाबा कुछ खोलने वाले, तो बाबा बोला कोको कोला, और वो कोको कोला बोला अब शरीर छुटा, तो उनके लिए यही नियम लगेगा, सदा तो वो कोको कोला की कंपनी में बैक्टीरिया बनकर बॉटल में जन्म लेगा। तो ये मनुष्य शरीर मिला है मन को पवित्र करने के लिए और मन में पूरी तरह से कृष्ण को स्मरण करने, ये कठिन नहीं है, ये नामुमकिन नहीं है, पर ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, पर भक्तों के संग में रहेंगे ये कठिन भी आसान हो जाएगा। तो इसलिए इस मौके को जो है पूरी तरह से लेना चाहिए। हमारे बॉम्बे में ये 1980 या 70 90 के दशक में एक क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट आ गया था, एडवर्टाइजमेंट में बताया गया था कि हाँ एक व्यक्ति जो है अपना छाती को फाड़ देता है, जैसे हनुमान जो छाती फाड़ते हैं तो सीताराम 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 आता है ना, तो वो छाती फाड़ के बताते हैं देखो चीर के दिल मेरा, तो मेरे दिल में कौन है, सीताराम है। तो वो छाती को फाड़ता है और दिखाता है उसके छाती में लिमका का बोतल है, अभी देखिए ये व्यक्ति अगर पूरा जीवन लिमका 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 करेगा तो अंत समय में क्या होगा, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा नहीं आएगा, अंत काले च उनके लिए क्या आएगा, यम यम भावी स्मरण दाम, लिमका का स्मरण करेगा देह त्यागेगा और लिमका की कंपनी में बैक्टीरिया बनकर आएगा। इसीलिए सावधान होना चाहिए कि आप ये अंदर की बात है, हृदय में क्या चल रहा है उसे टटोलना चाहिए, यहाँ वहां की कोई बातें को ना रखें, मन को पवित्र करें और इसके अंदर कृष्ण को रखें, जगन्नाथ जी को रखें, चैतन्य महाप्रभु को रखें। ये संभव है प्रभुपाद जी के द्वारा और आसान हो गया है। एक व्यक्ति भाग रहा था बहुत तेज गति से, बोला तारे बचाओ बचाओ बचाओ, बोला क्या हो गया क्या हो गया, बोला कि मेरा जो है प्रेमिका गर्लफ्रेंड चाकू लेके आ रही है, बोला क्यों, बोला कि मैं गलती से उनको बोल दिया चीर के देखो मेरा दिल तेरा ही नाम लिखा है, तो सच में तो ये सब जो है बकवास को दूर करके हमको जो है भगवान का नाम स्मरण करना है और हृदय में भगवान को लाना है, और सच में भगवान हमारे हृदय में आने के लिए तैयार है। मंदिर किस लिए है, मंदिर इसलिए है ऐसा स्थान है जहां पे हमारा मन जो है धीर हो जाएगा, भगवान में लग जाएगा, और यही जो है यहाँ से ट्रेनिंग लेके घर को मंदिर बनाना है और घर को मंदिर बनाकर फिर एक दिन मन को मंदिर बनाने के लिए ये पूरा अभ्यास है। तो इस प्रकार से जो है भगवान कह रहे हैं, भक्त लोग जो है अर्जुन भगवान से भगवान कह रहे हैं कि मन का इतना तैयारी करो, ये जीवन तैयारी है, हर क्षण हर पल नाचते गाते चलते फिरते नाचते सोते वक्त भगवान का नाम लेते, यहाँ तक कि युद्ध करते वक्त भी आप मुझे स्मरण कर सकते हो, तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, युद्ध च मया अर्पिता मनोबुद्धि मामेव संशया। इस प्रकार से तैयारी करना चाहिए हम लोग को कि युद्ध, यहाँ तक कि भगवान कह रहे हैं युद्ध में भी आप मेरा स्मरण कर सकते हो, और तो बाकी सब छोड़ो कंप्यूटर चलाते हुए या चलते हुए फिरते हुए हम तो भगवान का नाम ले ही सकते हैं, कहते हैं कि अगर हम भगवान के नाम में भगवान हमारे काम में, अगर हम अपने काम में भगवान अपने धाम में, तो ऐसा अभ्यास करना है हमको, 16 माला जप तो 16 माला जप, 16 माला जप के बाद भी हर वक्त भगवान का स्मरण करें, तस्मात सर्वेषु कालेषु, हर समय हर स्थान हर परिस्थिति में भगवान को स्मरण करना है। माम अनुस्मरण युद्धश्च, स्मरण का होता है थिंकिंग और अनुस्मरण का होता है, जिस प्रकार से गुरुदेव ने बताया आचार्य ने बताया शास्त्र ने बताया, अनु का होता है उस प्रकार से अनु, तो इस प्रकार से अनुस्मरण, स्मरण नहीं अनुस्मरण, जैसे प्रभुपाद जी बताए वैसे अनुस्मरण युद्धश्च, मई अर्पित तो मनोबुद्धि, भगवान जोर दे रहे हैं मन मुझे दो मन मुझे दो मन मुझे दो, और यहाँ पे बुद्धि भी देने के लिए कह रहे हैं, भगवान एक ही चीज मांगते हैं हमसे बार बार भगवद गीता में, एक ही चीज मुझे मन दे दो अर्जुन मुझे मन दे।
पर हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभु जी, स्वामी जी, गुरु जी, रोते हुए आते हैं, मैंने मन उसको दिया, वो मन किसी और को दिया, और वो मन किसी और को दिया, अब देखो मेरा हाल हो गया, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, रूठ जाता है, फूट जाता है। मैंने दिल तुझको दिया, तूने दिल किसी और को क्यों दिया? डिंग 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 डिंग। अरे भगवान ने पहले ही बोला, दिल किसी और को देगा तो दिल टूटेगा फूटेगा। दिल भगवान को दो, जिसने दिल हमें दिया, भगवान ने हमें मन दिया। सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अष्टधा क्या क्या है, भूमि अपन लबायु खान बुद्धि ए बचा अहंकार इति हमें भिन्न प्रकृति। अष्टधा भूमि अपो अनलो वायु खम मन बुद्धिर एव च अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति अस्तदा। भगवान कहते हैं मन मैंने दिया, जिसने हमें मन दिया उसी को मन दो, जिसने हमें धन दिया उसी को धन दो, तो धन धनो धन धन मिलेगा, मन भी तंदुरुस्त रहेगा, चंगा रहेगा। तो मन भगवान मांग रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण दश्च मयि अर्पित मनोबुद्धिर। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि भक्त लोग जो है हर स्थान हर परिस्थिति में मुझे स्मरण करते हैं। ऐसे अभ्यास करो, ऐसे अभ्यास करो, ऐसे अभ्यास करो। अभ्यास योग युक्ते ना चेतसा अनन ना अनिर्गामी ना परमं पुरुषं दिव्यां याति पात अनुचिंतयां। इस प्रकार से अनुचिंतया, मेरा चिंता करो, चिंतन करो, मेरा चिंतन करो। इस प्रकार से परम पुरुष का आप चिंता करो, वो दिव्य भगवान का चिंता करो, वो श्याम सुंदर, गण सुंदर, नील सुंदर, ब्रज सुंदर, परम सुंदर कृष्ण का स्मरण करो और अभ्यास करो। मन इधर पर जाएगा, मन का स्वभाव है गंदे नाले के कीड़े की तरह वापस वापस गंदगी में जाएगा, पर अभ्यास दो, एक दिन वो कीड़ा सुधर जाएगा। तो इस प्रकार से ये संभव है। भगवान जो भी भगवद गीता में बता रहे हैं वो कोई आउट ऑफ सिलेबस बात नहीं है, वो हमारे लिए है, हम लोग कर सकते हैं और लोगों ने किया है और हमें अभी करना है। इस प्रकार से भगवान को कैसे स्मरण करें, तो भगवान कहते हैं कवि पुराणम अनुशासितरम अनोरन्यम सम अनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारं चिंत रूपम आद्यात भवन तमसा पारस्ताम। इस अध्याय में आप देखो अनुस्मरण, अनुस्मरण, अनुचिंतन, ये अनु 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 बार आएगा, यानी कि हम अपने से नहीं सोचेंगे, जैसे गुरु ने बताया, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया वैसे स्मरण करना है, ऐसे हम अपने इच्छा से कुछ भी स्मरण नहीं। तो कैसे भगवान को स्मरण करना है, तो ये स्मरण करना है कि कभी वो सब कुछ जानते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं, हमने क्या किया, क्या करें कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, सब कुछ जानते हैं। पुराना भगवान इतने पुरातन हैं कि उनसे पुराना और कोई नहीं है। हम जो है अपने नानी को जानते हैं, पर नानी के नानी को थोड़ा बहुत जानते होंगे, जब भी कोई कान के नीचे जोर से बजाता है तो हमें नानी याद आता है, पर भगवान इतना पुराना है कि नानी के नानी के नानी के भी नानी के नाना, वो सबसे पुराना सब भगवान है, उनसे पुराना कोई नहीं, पर दिखने में बहुत जवान है। नव यौवनम च कविम पुराणम अनुशासितरम, सब कुछ प्रेम उनके शासन में है। भगवान पुराने हो गए, बूढ़े हो गए, अभी उनके क्या बोलते हैं कंट्रोल में कुछ नहीं, नहीं, सब कुछ उनके कंट्रोल में अभी भी अनुशासित तरह। एक पत्ता भी भगवान की आज्ञा के बगैर हिल नहीं सकता है। हम आग पलक रहे हैं कि भगवान का आज्ञा है इसलिए हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं क्योंकि भगवान का आज्ञा है इसलिए हो रहा है। अनयोर सबसे छोटे हैं भगवान, छोटे हैं, परमात्मा आत्मा से भी साइज में छोटा है और सबके अंदर चला भी जाता है। परमात्मा से छोटा कोई नहीं, भगवान छोटे हैं। अनयोर अन्यसम अनुस्मरे, इस प्रकार से भगवान का स्मरण करें। सर्वस्व दाता राम, वो सबको देते हैं, भगवान का स्वभाव है देना, हवा पानी सब कुछ भगवान दे रहे हैं। हमारे भारत में एक बैंक है जिसका नाम है देना बैंक, है ना, पर असली देना बैंक ये है, लेना बैंक है, ये दो वो दो ये दो, तो भगवान जो है असली देना बैंक है। सर्वस्व दाता राम अचिंत रूपम, भगवान का रूप जो है इतना अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक, हम चिंता ही नहीं कर सकते, इतना सुंदर है कि अचिंत्य रूपम आदित्य बनता परा सत, इतना भगवान के
शरीर से तेज आता है, मानो कि 10,000 सूर्य एक साथ भाव का प्रकाश आता है। आदित्य वर्णम पराशर, उसको भी परास कर देते हैं, हाँ उससे भी श्रेष्ठ है। तो ऐसे भगवान का अनुस्मरण करना है। कैसे अनुस्मरण करना है? जैसे प्रभुपाद जी ने बताया या शास्त्र ने बताया, अपनी इच्छा से कोई स्मरण नहीं करना है कि वो लाइट है बल्ब है, नहीं, ऐसे स्मरण करना है। इस प्रकार से अगर हम स्मरण करते रहेंगे प्रायाण, फिर भगवान कहते हैं प्रायाण काले मनसा चले ना भक्त युक्त जो मध्य प्रणाम आवेश सम्याक सातम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। यहां तक जो है शुद्ध भक्त का वर्णन आया था। अब जो है वर्णन आता है उन भक्तों का जो अष्टांग योग के माध्यम से भगवान को स्मरण करें, यानी कि योग मिश्रित। तो वो लोग थोड़ा ध्यान योग में भी हैं और थोड़ा थोड़ा भक्ति भी कर रहे हैं। ऐसे भक्त लोग क्या करते हैं, अंत समय में जो है मन को जो है जो विचलित है उसे भक्ति के माध्यम से परमात्मा में लगाते हैं। परमात्मा में लगाते लगाते धीरे धीरे आंख को पूरा बंद भी नहीं करते, पूरा खोलते भी नहीं, आधा खोलकर आंखों को जो है नासिका के अग्रभाग में रखते हुए वो परमात्मा का दर्शन करते हैं। जैसे जपा के टाइम पे हम बोलते हैं कि आंख पूरा बंद भी मत करो, पूरा खोलो भी मत, यानी कि तो इसी प्रकार से जो है योगी जो है जो ध्यान योग में लगे रहते हैं वो परमात्मा का दर्शन करते हैं, योग मिश्र भक्ति करते हैं, और प्राण वायु को जो है वो दोनों नेत्र के बीच में लाते हैं। 19 ये लगता है साल बराबर याद नहीं है पर 2000 के नजदीक है, महाविष्णु स्वामी महाराज राजकोट में सुंदर मंदिर का निर्माण किया था। मुझे याद भी याद है 26 जनवरी था वो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में उन्होंने जो है अपना अंतिम लीला किए थे। उनका जब अंतिम लीला वर्णन आता तो कहते हैं उनको पता लग गया कि अभी उनका क्या है। तो उन्होंने उन्होंने बोला अब उनको पता लग गया कि उनका प्राण वायु अब कमर से पेट, पेट से छाती, छाती से गले, गले से मुंह की ओर आ रहा था। एकदम से उन्होंने सबके सामने मुंह बंद किया, फिर नाक ये बंद किया, फिर आंख बंद किया और शरीर छोड़े। तो यहाँ पे ध्यान योग जो करते हैं वो जो है प्राण को जो है दोनों आंखों के बीच में लगा देते हैं। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से ध्यान योगी जो प्राण वायु को इधर रोक कर परमात्मा के दर्शन करते हैं। तो अर्जुन का अब प्रश्न उठता है, हे कृष्ण ये क्या योगा है जिसमें वो प्राण को जो है दोनों आंखों के बीच में रोकता है, और कुछ मंत्र मंत्र नहीं है, कुछ और बातें नहीं है इसमें? तो भगवान कहते हैं मैं बताऊंगा बताऊंगा। क्या मंत्र उच्चारण करेंगे वो इस श्लोक में बताया जा रहा है, श्लोक नंबर 11 में। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विसंति यद्यतयो पितरागः यदि चांत ब्रह्मचार्यं चरन्ति तत्पद संग्रहेण प्रवक्ष सये। इस प्रकार से वो जो है वो अष्टांग योग के जो ये शुद्ध भक्त नहीं है, ये अष्टांग योग के जो उपासक हैं वो लोग जो है मंत्र उच्चारण करते हैं। कौन से मंत्र को उच्चारण करते हैं? जो वेदों में आता है ओंकार, ओम करके जो है वे परमात्मा को प्राप्त करते हैं या ब्रह्म को प्राप्त करके ब्रह्म मंत्र से यहाँ से जो है आत्मा को जो है शरीर को ब्रह्म रंध्र से आत्मा जो है शरीर को छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार से ये जो है किसके लिए? ध्यान योग के लिए। सर्वद्वारानि संयाम्य मनोहिर्ति निरुदया च मूर्धान्य आध्यात्मना प्राणम अस्तित्व योगदारन। इस प्रकार से वो ब्रह्म रंध्र से सारे बाकी 9 द्वार को बंद कर देते हैं और ब्रह्म रंध्र से वो अपना जो है एग्जिट करते हैं और उनका जीवन सफल हो जाता है। यह है ध्यान योग मार्ग से जो भक्ति कर रहे योग मिश्र भक्ति, उनके लिए वो कौन सा मंत्र उच्चारण करते हैं? ओमिति अक्षरम ब्रह्मा व्याहरन माम अनुस्मरण य प्रयाति त्याज देहम सायाति परमम गति। शुद्ध भक्त भी मेरे धाम को प्राप्त करेंगे और ये ध्यान योगी वाला भक्त भी मेरा धाम को प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्त का जीवन सफल और ध्यान योगी योग मिश्री भक्त उनका भी
जीवन सफल। अब जो है भगवान जो है बताएंगे कि उनके शुद्ध भक्त किस प्रकार से हर समय हर स्थान हर परिस्थिति में जो भगवान का स्मरण करता है, तैयारी करता है, एग्जाम का पेपर जब भी आए वो अव्वल नंबर से पास कर लेंगे। अनन्य चित्त सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहं पाप। पर मेरे पे इस प्रकार से ओम इत्यादि नहीं बोलना, वो मेरे कथा श्रवण करेंगे, वो मेरे जो है कीर्तन में लगे रहेंगे, वो मेरे सेवा में लगे रहेंगे। ऐसा करते करते हमने देखा अपने आंखों से, हमारे मीरा रोड में एक भक्त है विजय विष्णु प्रभु, वो जो है हमेशा जो है फूड फॉर लाइफ का सेवा करता था, अन्नदान महादान अन्नदान महादान ऐसे करते 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 एक दिन की बात है, वो लगभग 11 बजे दोपहर को अन्नदान महादान भगवत धाम चले, और तो और गौर पूर्णिमा के नजदीक लगभग इसी समय पे और एक भक्त था वो तो नगर संकीर्तन कर रहे थे, हम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलते बोलते उसको सीधा भक्ति वेदांत हॉस्पिटल लेके आए, इनका भी हरि बोल हो गया वहीं पे। यानी कि वो ऐसा भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार से अष्टांग योग वगैरह करने की जरूरत नहीं, मेरे भक्त सेवा करते करते भगवत धाम। और हमारे मंदिर में एक तिवारी नाम का एक ड्राइवर था, वो ड्राइवर 6 फुट लंबा, थोड़ा 6 फुट 6 के नजदीक था, इतना लंबा और मोटा, अरे राम का भक्त था, पर उनका एक स्वभाव था, पान खाता था मस्त में, और कभी मीरा रोड से निकालते तो जुहू में जाता था, जुहू मंदिर से फिर मीरा रोड में, पर भक्तों का छोड़ता नहीं था, बस भक्तों का कभी सेवा करता था, कभी उनको डांटता नहीं, किसी भी वक्त उनको सेवा में बोले सेवा में लग जाता था, ऐसा भक्त था वो। जपा वगैरह नहीं करता, दीक्षा नहीं लिया था, पर वो अपना जो गांव का दीक्षा वगैरह गुरु था जो भी है, पर वो करता था अपना तरीके से भक्ति, पर भक्तों का संग छोड़ा नहीं। मानो या ना मानो राधा रास बिहारी का राजभोग आरती चल रहा है, वो जो प्रणाम किया किसको, गौरमिताई को, उन्होंने प्रणाम किया राधा रास बिहारी और किसको, ललिता विशाख को, और सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान को जैसे किया, राजभोग आरती हो गया उठा नहीं, और देखा वो ऐसे पड़ा था, उनका हरिबोल हो गया। तो भगवान कहते भक्तों के इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अष्टांग योग में कमल आसन यानी कि पद्मासन में बैठना है, पीठ को सीधा करना है और हवा को जो है इधर से रोकना है, नहीं, आप भगवान का सेवा करते 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 भगवान जो है सब कुछ अनुकूल बना देंगे, मनस्थिति बदल जाता है भक्ति में, पर बाकी इसमें परिस्थिति तो बदलना पड़ता है, पर भगवान के भक्ति में मन स्थिति बदल जाता है और हम भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं भक्ति योग इज वेरी सिंपल इजी एंड प्योर, ये श्लोक में भगवान कहते हैं अनन्य चित्त सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य तस्य योगिना तस्य अहम सुलभ पार्थ। लाभ नहीं सुलाभ, बड़े आसानी से प्राप्त होगा पार्थ, नित्य युक्त से योगी ना, वो युक्त कैसे होते हैं, सेवा करते करते भगवान का नाम रूप गुण लीला का श्रवण करते हैं, फुटपाथ लाइफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते 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 वो भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे भक्त जो ग्रंथ वितरण करते हैं भगवत धाम जाएंगे, ग्रंथ वितरण करेंगे और अंत समय आ गया तो क्या होगा, प्रभुपाद जी बोले जैसे वो सोचेगा वैसे उसको गति मिलेगा, फिर भक्त लोग थोड़ा दुखी हो गया, बोला ठीक है अगर आप ग्रंथ वितरण करते रहोगे सेवा में लगे रहोगे इसको हम छोड़ोगे नहीं और ग्रंथ वितरण करते रहे अंत समय आएगा तो अगर भगवत धाम से फ्लाइट नहीं आएगा तो मैं आपको फ्लाइट में लेकर जाऊंगा। तो ये है प्रभुपाद जी का कृपा है इस आंदोलन में, इसलिए इस आंदोलन के साथ जुड़े रहिए और जो भी छोटे मोटे सेवा है लगे रहिए, और थोड़ा बहुत डांट फाट मिल भी जाता है, साधु का गाली घी का नाली जितना पियो हो जाएंगे बलिशाली। तो इस प्रकार से अर्जुन आपके भक्त जो आपसे प्रेम करते हैं और आपको प्राप्त कर लेते हैं, क्या उनको फिर से जन्म मिलेगा, फिर से जन्म मिलेगा? तो भगवान कहते हैं हाँ जन्म मिलेगा, मेरे भक्तों को फिर से जन्म मिलेगा, मेरे भक्तों को जन्म मिलेगा, पर वो जन्म जो साधारण जन्म नहीं होगा, मेरे जैसे होगा, जैसे मैं वसुदेव के, हाँ वसुदेव के घर में जन्म लिया था, देवी जी के घर में जन्म लिया, नंद महाराज के घर में जन्म लिया, वैसा एक सुंदर सा जन्म मिलेगा, और उस जन्म में वो कोई गोपी का पुत्र बनेगा या गोपी का
जो है कन्या बनेगा और जो है मेरे लीला में शामिल रहेगा, और उस लीला को मैं जब समझ लेऊंगा और भगवत धाम जाऊंगा तब ये भी मेरे साथ भगवत धाम आ जाएंगे, मेरे भक्त भी जन्म लेंगे, पर उनको जो है अप्रेंटिसशिप यानी कि भगवान के लीला में भाग लेने को मौका मिलेगा, और लीला जब पूरा होगा भगवत धाम चले जाएंगे। मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालय न शाश्वतम ना पुवंती महात्मा नाम संसिद्धिं परमां गति। इस प्रकार से मेरे भक्त जो है वो फिर से भौतिक जगत में नहीं आएंगे, वो मेरे जगत को प्राप्त करेंगे। ये जगत कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम। वो मेरे भक्त जो है मेरे धाम में इतना आनंद का अनुभव करेंगे, ये जगत में वापस नहीं आएंगे। कहते हैं ना दूध का जलन छाछ भी फूल फूल पे पीता है, वो इतना दुख देखने भौतिक जगत में है कि आध्यात्मिक जगत में आने के बाद भौतिक जगत का नाम ही लेते हैं। दुखालयम अशाश्वतम, इसलिए दुख है वहां पर, ये दुख भी शाश्वत नहीं है। फिर थोड़ा सुख मिलता है, फिर से बहुत मिलता है, फिर से थोड़ा सा सुख, फिर बहुत बड़ा दुख। दुख काले हम आशाचन भगवान काले में आशाचन नहीं कहते, क्योंकि दुख ज्यादा है सुख नाम के लिए, तो लोग फंस जाते हैं। दुख काले में आशाश्वतम, पर मेरे पर नापनुवंती महात्मा नाम, ये महात्मा शब्द फिर से दोबारा आया है। सातवें अध्याय, आठवें अध्याय और नवे अध्याय में महात्मा शब्द आता है। नापवंती महात्मा नाम सिद्धि परमा गति, वो परम गति को प्राप्त कर लेंगे। मेरे भक्त जो है साधारण जीवन नहीं लेगा, वो मेरे लीला में भाग लेंगे और इस बार मेरे धाम में आएंगे, तो मेरे धाम में आने के बाद ये भौतिक जगत में वापस नहीं आएगा। ये है मेरा भक्ति करने का, भगवान का भक्ति करने के बाद। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावृत्ति अर्जुना मम वेद्या सौंदया पुनर्जन्म न विद्यते। वो महात्मा जो है आ ब्रह्मा भुवना लोका, ये भौतिक जगत क्या है, ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक या नर्क लोक तक, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनर्जन्म, ये भौतिक जगत में कोई भी भौतिक जन्म भौतिक जगत में कोई भी शरीर छोड़ता है, वो ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक वापस 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 आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। पर मेरे पक्ष जो कि महात्मा है, वो वाम उपेत्या तू पहुंचे आ मुझे प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म ये भौतिक जगत में वापस आते नहीं। जो मुझे प्राप्त नहीं करते हैं आप ब्रह्मा भुवना लोका, ब्रह्म लोक तक भी जाएंगे वापस नीचे आएंगे, स्वर्ग लोक में जाएंगे वापस नीचे आएंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे, ब्रह्मांड ब्रह्मते कोनो हो जाते हैं, अभाग्यवान जीव हो जाते हैं। पर मेरे भक्त जो है ब्रह्मांड ब्रह्मते कोनो भाग्यवान जीव और मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं। माम उपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम, मुझे प्राप्त करके वापस इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं, वो है महात्मा। ये महात्मा शब्द दूसरी बार भगवद गीता में भगवान कहते हैं। अब जो है मेरा धाम कैसा है उसके बारे में भगवान 17, 18 और 19वें नंबर श्लोक में कहते हैं। सहस्र ये भगवत धाम के बारे में भगवान ने बता दिया। अब जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं ज्ञानी है, ध्यान देना, जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं ज्ञानी है, त्यागी है, ठीक है, और कर्मी है, उनको बहुत सावधान रहने को पड़ेगा किस वक्त वो शरीर छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब ब्रह्मा जी के 100 साल का वर्णन करेंगे। सहस्र युग पर्यंतम आहार्य ब्रह्मनो विदो रात्रि युग सहस्रांतम ते आहो रात्र विदो जनहा। अर्जुन ये समझने का प्रयास करो, ये जितने भी भौतिक जगत है ये समय के द्वारा नियंत्रित है, मेरा धाम समय के द्वारा नियंत्रित नहीं है, क्योंकि ये समय के द्वारा नियंत्रित है। हर कोई शरीर में जन्म लेता है, कुछ समय के लिए रहता है और मृत्यु होता है। समझो ब्रह्मा जी का एक दिन है, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? सहस्र युग। एक कलयुग कितना होता है? 4,32,000। द्वापर उसका दुगना, त्रेता इनका तिगना और सत्युग कलयुग का चौगुना। तो इस प्रकार से एक सत्युग, एक द्वापर, एक त्रेता और एक कली मिला के एक युग हो गया है। ऐसे 1,000 कलयुग, 1,000 द्वापर, 1,000 त्रेता, 1,000 सत्युग होगा। ब्रह्मा जी का क्या होगा? ब्रह्मा जी का
12 घंटा होगा ब्रह्मा जी का, 12 घंटा, और उतना ही ब्रह्मा जी का रात भी है, रात्रिम युग सहस्रतम। 12 घंटा कितना, हजार हजार चतुर हजार युग हो गया, महायुग कहो, और रात्रि कितना हो गया, हजार। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद इस समय पे क्या होता है, इस समय पर ब्रह्मा जी का जब 12 घंटा पूरा हो जाता है, तब पानी जो है प्रलय का, वो सीधा ऊपर आ जाता है, आ जाता है, आ जाता है, पाताल, तलाताल, रसाताल, फिर भूलोक तक आता है, भूवरलोक तक आता है, स्वर्ग तक पानी में डूब जाता है, जनलोक, तपलोक, महालोक में पानी नहीं रहता है, एक छोटा सा प्रलय होता है। अव्यक्त व्यक्त सर्व प्रभान्ति आहारागमे रात्र्यागम प्रलयान्ति तत्र भक्त सम्नके। ब्रह्मा जी के एक दिन में सब लोग अपने अपने स्थान में रहते हैं, ब्रह्मा जी के रात आ जाए तो सब लोग पानी के अंदर रहते हैं, फिर से ब्रह्मा जी का दिन आता है तो वापस उनके कर्मों के अनुसार उनको स्वर्ग में, पृथ्वी में, भूलोक में फिर से शरीर मिलता है, ये चक्कर चलता रहता है। तो यह है भौतिक जगत का कहानी, जिंदगी और कुछ भी नहीं, ब्रह्मा जी का 12 घंटा रात्रि और ब्रह्मा जी का 12 घंटा रात्रि। तो यह है चक्कर, बहुत बड़ा भयंकर चक्कर, इससे निकलना है, इसलिए तैयारी खूब रहना चाहिए, अब से लेके शरीर छोड़ने तक हरे कृष्णा भक्तों के संग में करना है। भूतग्राम सैवायं भूता भूत्वा प्रलयते त्रयागम आवस पात प्रभान्ति आहारगमे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का दिन आता है, इस प्रकार से ब्रह्मा जी का रात आता है, इस प्रकार से ब्रह्मा जी का दिन आता है तो सब लोग अपने अपने शरीर लेके अलग अलग लोक में आते हैं, फिर ब्रह्मा जी का रात आता है तो फिर से सब लोग जो है लुप्त तो हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये चलता रहता है, पर मेरे भक्त जो है वो इस चक्कर से बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं, परास्तस्मात् भावन्या व्यक्त व्यक्त सनातना यह सर्वेषु भूतेषु नास यत्सु ना विनश्यति। पर ये भौतिक जगत के परे एक और जगत है, इसे आध्यात्मिक जगत कहते हैं, ये आध्यात्मिक जगत में प्रलय नहीं आता है, और इसमें केवल इसमें जन्म मृत्यु भी नहीं रहता है और व्याधि भी नहीं रहता है। परस्तस्मत् भावना व्यक्त व्यक्त सनातना यह सर्वेषु भूतेषु नास्ति अत्र विनश्यति। वहां पे सब लोग सुख में रहते हैं। सरल भाषा में इसी को अगर हम कहें तो लौकिक भाषा में एक कवि ने बहुत सुंदर कहा, और कहते हैं एक गगन के जहां। अब बोल गए हिंदी पिक्चर का गाने क्यों डाल, अरे नहीं वो हिंदी पिक्चर का गाना नहीं है, भगवत गीता का श्लोक है, परास्तस्मत् तो भाव व्यक्त सनातना यस सर्वेषु भूतेषु नास्ति ना यत्सु ना विनश्यति। ये भगवत गीता का श्लोक है, इसी को उन्होंने कहा है, कैसे गगन के तुले जहां गम भी ना हो सपना ना हो बस प्यारी प्यार पले। ये भौतिक जगत में बार बार जन्म मृत्यु होता है, ब्रह्मा जी का रात, ब्रह्मा जी का दिन, ये चक्कर झमेला, पर से परे भी कोई, सब लोग सोचेगा बस यही जीवन है, नहीं, इसके परे एक धाम है जहां पे गम भी ना हो आंसू भी ना हो। तो हम सबको वो धाम प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, करना चाहिए। वो धाम कैसा है, अव्यक्त अक्षर इति तम आहु परमम गतिम यां प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरे भक्त वो अव्यक्त धाम को प्राप्त कर लेगा, वो परम गति को प्राप्त कर लेगा, और जहां जाने के बाद किसी को वापस आना नहीं पड़ेगा। पुरुष शापरा पार्थ भक्त्या लभ्यता अनन्यया यस अंतास्तानि भूतानि येना सर्वमिदं ततम। इसीलिए भक्ति करना है, अगर भक्ति नहीं करेंगे बार 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 वही चलता रहेगा। जैसे आदि शंकराचार्य शंकराचार्य कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननि जठर शयानम ये संसारे बहुत सारे कृपया पाहि पारे भारे। भक्तों के लिए जो है मन स्थिति बदल जाता है,
और वो भगवत धाम को प्राप्त करते। पुरुष अच्छा परा पार्थ भक्त्या लब्ध्या अनन्या, वो भगवान मेरे धाम को प्राप्त कर ले। भगवान इस 8वें अध्याय में भक्ति का इतना 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 कूट की महिमा बता रहे हैं कि हमको अभी और कुछ करना नहीं है, केवल भक्ति करना है। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी हो, रहो, कोई बात नहीं। परिस्थिति कुछ भी हो, मनस्थिति को बदलो, भगवान का भक्ति करो, भगवत धाम को प्राप्त करो। और जो है भगवान का भक्ति इतना महिमा है, योगी ज्ञानी को अगर शरीर छोड़ना पड़ेगा तो उनको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। 6 महीना उत्तरायण में शरीर छोड़ना पड़ेगा, उत्तरायण में भी उनको जो है शुक्ल पक्ष में शरीर छोड़ना पड़ेगा, और शुक्ल पक्ष में भी दिन के 12 घंटे में शरीर छोड़ना पड़ेगा। एकदम यत्र काले तो अनावृतम आवृतम चैव योगिना प्रयाति यान्ति तां कालं वक्ष्यामि भरतर्षभे। भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन, आप ध्यान से सुनिए, जो लोग योगी है, ज्ञानी है और त्यागी है या कर्मी है, वो अगर दक्षिणायन उत्तरायण के समय पे शरीर छोड़ेगा, और वो भी शुक्ल पक्ष में। आप लोग जानते हैं शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष क्या होता है, अमावस से लेके पूर्णिमा के समय पर शरीर छोड़ेगा, और वो भी दिन के बाद सुबह 6 बजे से लेके रात के 6 बजे के टाइम पे, तो वो वापस नहीं आएगा। मान लो बेचारा उत्तरायण के जगह पे दक्षिणायन में शरीर छोड़ दिया है, उनका हाल बेहाल हो जाएगा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल सन्मासानुत्तरायण तत्र प्रयाति गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। तो इस प्रकार से जो मेरे भक्त उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में और दिन में अगर शरीर छोड़ता है, वो भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। ये क्लियर है? अब भगवान कहते हैं, मान लो गलती से उनका टाइम टेबल थोड़ा सा ट्रेन लेट हो गया है पकड़ने में, उनका सीट कंफर्म नहीं हुआ, हाँ आरएसी भी नहीं मिला, वेटिंग लिस्ट में लंबा रह गया, तो गया तो धूमो रात्रि तथा कृष्ण सन्मासान दक्षिणायन तत्र चंद्रमासम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। वो योगी, वो त्यागी, वो जो कर्मी है, उनको वापस आना पड़ेगा। मान लो रात को शरीर छोड़ दिया और वो भी कृष्ण पक्ष में, यानी कि पूर्णिमा और अमावस के बीच में शरीर छोड़ दिया, और वो भी दक्षिणायन में शरीर छोड़ दिया, फिर तो गया उनको वापस चंद्र, उनको क्या है, फिर से जन्म लेना पड़ेगा भौतिक जगत में। कहाँ पे? वो जो है चंद्रलोक में जन्म लेगा, चंद्रलोक में जन्म लेके फिर से किसी माँ के गर्भ में आएगा। शुक्ल कृष्ण गति ही एते, दोनों का सार अभी बता रहे हैं। शुक्ल कृष्ण गति ही एते गतः शाश्वत मते एकया याति अनावृतम अन्याया वर्तते पुनः। और मान लो इस प्रकार से जो उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में और दिन में शरीर छोड़ता है, योगी कर्मी और ज्ञानी, वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। अगर दक्षिणायन या रात को या कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ता है, तो फिर से उनको जन्म लेना पड़ेगा। पर मेरे के लिए अर्जुन, प्रभुपाद जी ने जो देह त्यागा, कार्तिक का महीना, और कार्तिक का महीना दक्षिणायन में आता है, और रात के समय प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा, मेरे भक्तों के लिए चाहे दिन हो या रात हो, दक्षिणायन हो या उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, वो जब भी शरीर छोड़ेगा मेरा स्मरण करेगा, उनके लिए गोलोक का जो गेट खुला है वो वापस आ जाएगा। नेतिश प्रीति पार्थ जना योगी मुह्यते कश्चना तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुना। भगवान कहते हैं योग युक्त भव अर्जुना, भगवान ने ये नहीं, कर्म कर्म युक्त भव अर्जुना या त्याग युक्त भव अर्जुना, या भगवान ने ये नहीं कहा कि ध्यान युक्त भव अर्जुना, योग युक्त अर्जुना, योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो। योगी यानी कि भक्ति करने का लाभ यह है कि कोई भी समय, कोई भी स्थान, कोई भी परिस्थिति हो, भगवान का स्मरण करेंगे तो हमको भगवान का धाम मिल जाएगा। अन्नदान महादान हरि बोल, हरि दंडवत प्रणाम करते करते शरीर छोड़ सकता है। और तो और एक नया भक्त आया था हमारे मेरा रोड में, जय जय करने, दोनों लंबे लंबे थे, पंजाबी था,
बनारस में जब आया था किसी कारण से वो चंडीगढ़ में था, वो सीधा शरीर छोड़ते छोड़ते उसको पता लग गया अभी शरीर छोड़ रहा है, वो सीधा प्रभुपाद जी का विग्रह जो है उस विग्रह को पकड़ा और शरीर छोड़ दिया, भगवत धाम को प्राप्त कर रहे। इसलिए योगी बनो, तस्माद् योगी भव। अर्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपश्चैव दानेषु यत् पुण्यैः फलप्रदर्शितं यत् सर्वमिदं त्यक्त्वा योगी परम स्थानोपेति च आद्यम। वेद पढ़ने से जो लाभ मिलेगा, यज्ञ करने से जो लाभ मिलेगा, तपस्या करने से जो लाभ मिलेगा, दान देने से लाभ मिलेगा, पुण्य कर्म करने से जो लाभ मिलेगा, ये सब का लाभ केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम करने से मिलेगा और भगवत धाम मिलेगा। फिर से हम भौतिक जगत में नहीं आएंगे, इसलिए हम सबको प्रभुपाद जी का धन्यवाद अदा करना चाहिए। हमें उन्होंने इतना सुगम सरल और पवित्र मार्ग दिया है, हमको केवल भक्ति करना है, 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है, भक्तों के संग में रहना है, इस्कॉन छोड़ना नहीं है, भक्तों के संग में अपराध नहीं करना है, निंदा नहीं करना है। गारंटीड, अगर वैकुंठ से फ्लाइट नहीं आएगा तो प्रभुपाद जी कहते हैं वैकुंठ से फ्लाइट नहीं आएगा, वैकुंठ वाले कंप्लेन करेंगे कि अंत काले च माम एवं स्वरण तो कलेवरम, ये नियम पालन नहीं किया, तो भगवान कहते हैं वैकुंठ का फ्लाइट नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मैं जो है गोलोक वृंदावन का फ्लाइट लेकर आया, गोलोक वृंदावन का फ्लाइट के पायलट भी अगर कहेगा अंत काले च माम एवं स्मरण हुआ मुतवा नहीं किया, तो फिर मैं दूसरा एक फ्लाइट लेकर आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, खुद आ जाऊंगा। वो भक्त जो 16 माला जप करेगा, 4 नियम पालन करेगा और विश्वास को नहीं छोड़ेगा, उस अंत समय में मैं आऊंगा, उसे लेकर जाऊंगा। अगर गोलोक वृंदावन में वैकुंठ से जाता रहूंगा, वैकुंठ वाले दरवाजा बंद करेंगे, अयोध्या वाले दरवाजा बंद करेंगे, मथुरा वाले दरवाजा बंद करेंगे, द्वारिका वाला दरवाजा बंद करेंगे, गोलोक वृंदावन वाले भी दरवाजा बंद करेंगे, मैं पीछे जाऊंगा। गोलोक वृंदावन के एक बड़ा गेट है, उस बड़ा गेट के अंदर एक छोटा सा गेट होता है, वो छोटा सा गेट का चाबी राधा रानी ने मुझे दिया है, उस गेट को खोलकर मैं आपको अंदर लूंगा। और ये हुआ है बहुत सारे भक्तों के साथ हुआ, प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य हरिद्वी प्रभु, प्रभुपाद जी के जितने भी ट्रांसलेशन था या टाइपिंग था वो करते थे, और प्रभुपाद जी जब अपना लीला संपन्न हरिद्वी प्रभु से रहा नहीं गया, फिर से जो थोड़ा बहुत हिप्पी बन गए थे, पर आप थोड़ा 2-3 साल मृत्यु के पहले वो फिर से इस्कॉन में आए, और इस्कॉन में आए वो थोड़ा सा जपा किया, पर उनको कैंसर हुआ, कैंसर का पीड़ा से पीड़ित था, फिर वो एक दिन बेहोश हो गए, बेहोश क्या हो गए, फिर वापस वो जब जागे 2 मिनट के लिए जाते, आधा घंटे के लिए जागे, तो इतने मुस्कुरा रहे थे, उनकी बहन आ गई, बोल रहे थे फिर भी फिर से वापस शरीर दर्द कर रहा था, फिर 2 मिनट के लिए वो मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा उनके चेहरे से तेज आया, उनका बहन बोल रहा था ये क्या हो गया, ये अभी तक तो चिड़चिड़ापन आ रहा था, इसके चेहरे में दर्द का पीड़ा सहा नहीं जा रहा था, वो मुस्कुराने बोला और लास्ट में बोला प्रोपा 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 पर इनकम। हम लोग इस कौन संस्था से जुड़े रहे हैं, प्रामाणिक दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु के शरण में रहें, प्रभुपाद जी का आज्ञा पालन करें, इस्कॉन में वैष्णव अपराध निंदा से बचते रहें और सेवा करते रहें, गारंटेड है हमारा जीवन सफल हो जाए। अंत काले च माम एवं स्मरण उक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति च मद्भावं याति नश्यते। जीवन तैयारी है, इस तैयारी में 16 माला जप रोज करना है, 4 नियम का पालन करना है, भक्तों के संग प्रेम से रहना है, थोड़ा बहुत दांत भी पड़ गया साधु का गाली घी का लाली जितना पियो होंगे बलशाली, सहन कर लेना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं है, और एक दिन अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त हो जाएगा, प्रभुपाद जी अंतर्गत है। तो ये अध्याय में भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जीते जी जो है भक्ति करने में, आर्ट ऑफ लिविंग 7 चैप्टर है, तो आर्ट ऑफ डाइंग ये 8 चैप्टर है, और समय हमारे पास बहुत कम है। अगर हम भक्ति करेंगे, भक्तों के संग में प्रेम से रहेंगे, जरूर हमारा जीवन सफल होगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए 16 माला जप 4 नियम पालन इस्कॉन में रहे, प्रभुपाद जी के आश्रम में जरूर हम अच्छे भक्त बनेंगे, और उनको भी भक्ति में लाकर अपने जीवन को सफल करें और अपने जीवन को सफल करें। हरे कृष्ण हरे। Just stop recording.